बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर है प्रोजेक्टाइल का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है कि जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं तो मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस ये कितना कवर करता है, ये क्या चीज़ है, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और जैसे बिल्कुल इनिशियल लेक्चर में स्टार्ट में मैंने आपसे जिक्र किया था कि प्रोजेक्टाइल का बेसिक यूज़ मल्टीपर्पज़ के लिए है, तो उसमें सबसे बेसिक जो है वो रेंज है। तो ये रेंज इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव भी इसमें से आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। डेरिवेशन इसकी बड़ी सिंपल सी है, देखें सिंपली एस इज़ इक्वल टू वी टी, एस इज़ इक्वल टू वी टी। अब यहाँ पे हम क्या लेते हैं, वी एवरेज इंटू टी, जो केपीके की नई बुक है उसमें थोड़ा सा सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करके उसने इसको डेराइव किया, लेकिन सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं, कोई इसमें इतना इशू नहीं है। मैं इसी वजह से इसके साथ आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अगर वो लेंथी लगे, मुश्किल लगे, तो आपने ऐसे ही कर लेना है, ठीक है जी। एस की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, एक्स और आर, रेंज। वी एवरेज ये किसके इक्वल होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन कॉन्स्टेंट है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन कॉन्स्टेंट है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, वी एक्स। और टी की जगह पे क्या आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये जो टी है ये कौन सा होगा, जो लास्ट लेक्चर में टाइम ऑफ फ्लाइट की डेरिवेशन थी वहाँ से हम ये टी यूज़ करेंगे। तो टी क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। यहाँ पे सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेंगे, किस वजह से, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। ये बात पिछले लेक्चर में भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे अपवर्ड जाते हुए जब हमने उसकी हाइट फाइंड की थी तो उसमें वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का कंसिडर किया था, यहाँ हमने कौन सा करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसिडर करना है, ठीक है जी। तो ये वी एक्स जो है ये क्या होगा, वी एफ एक्स वी आई एक्स, एक ही चीज़ है, वी नॉट कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, वी नॉट कॉस थीटा, वी एक्स वी एफ एक्स वी आई एक्स, दैट इज वी नॉट कॉस थीटा, क्लियर है जी। यहाँ पे अब इसकी वैल्यू पुट करें, आर रेंज वी नॉट कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, टू वी नॉट कॉस थीटा बाय जी, टू वी नॉट कॉस थीटा बाय जी। ये क्या चीज़ है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये हमारे पास क्या चीज़ है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से फिर आर रेंज किसकी को आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर टू, सॉरी ये साइन वाला था ना, वी नॉट साइन ऑफ थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। रेंज किसकी को लगी, वी नॉट स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, जो कि आर किसकी को होगा, वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, साइन टू थीटा बाय जी। ये रेंज का रिलेशन है, क्या हो जाएगा, आर वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। ये अब कुछ लोगों के लिए नई टर्म है, स्पेशली बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, कि ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ये मैथमेटिक्स का रिलेशन है, मैथमेटिक्स का फार्मूला है, टू साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन टू थीटा। मैं साइड पे आपको सेपरेटली ये बता देता हूँ कि ये आया कैसे, वैसे इसका कोई यूज़ नहीं है, यहाँ पे आपने डायरेक्ट इसको लिख देना है, ठीक है। आप मेंशन कर दें टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा, ऐसे साइड पे करके टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा, ऐसे मेंशन कर दें तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, ना करें तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन डेरिवेशन की इसकी कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको वैसे साइड पे थोड़ा बता देता हूँ कि ये आया कैसे। तो क्या होगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा को हमने क्या लिखना है, साइन टू थीटा, ठीक जी। देखें ऐसा है, ये किस तरह से आता है, मैथ का फार्मूला है, साइन अल्फा प्लस बीटा टू, सॉरी साइन अल्फा
कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब आप देखें इसमें अगर हम लिखें साइन थीटा प्लस थीटा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, फिर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, जिसका मतलब है टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ से ये साइन टू थीटा है जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है जी, तो इस बेस पे हमने इसको ये लिखा, तो ये रेंज की डेरिवेशन होगी, वी नॉट स्केयर साइन टू थीटा बाय जी, वी नॉट स्केयर साइन टू थीटा बाय जी। अब इससे रिलेटेड फिर बहुत सारी बातें हैं, ये टॉपिक यहाँ पे एंड हो जाता है। इसमें थोड़ी सी बात 45 के एंगल की लिखी है, वो मैं अभी आपको मेंशन सेपरेटली कर देता हूँ। फिर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि जिनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बाकी ये रेंज का रिलेशन ड्राइव होगी। अब आप देखें तो रेंज भी किस पर डिपेंड कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी पे। जितनी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी रेंज ज़्यादा होगी, यानी प्रोजेक्टाइल उतना ज़्यादा दूर तक जाएगा। ठीक है, जितना एंगल ज़्यादा होगा उस हिसाब से फिर रेंज ज़्यादा होगी, यानी आप बड़े एंगल पे फेंकेंगे तो रेंज ज़्यादा होगी, लेकिन इसमें थोड़ी सी वेरिएशन आती है, वो एक लिमिट तक है बात ये सारी, वो नेक्स्ट जो पोर्शन है उसमें भी आपको बताता हूँ। ठीक है, जी पे डिपेंड करेगा, वैल्यू ऑफ जी जितनी कम होगी रेंज की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। क्लियर है, तो ये क्या चीज़ थी, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक हो गया जी, अब हम इसको देखेंगे कि डिफरेंट एंगल्स पे रेंज क्या होगी, डिफरेंट एंगल्स पे रेंज क्या होगी। ठीक है जी, देखें जी यहाँ पे ये डिफरेंट एंगल्स पे रेंजेस हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब यहाँ काफ़ी सारी बातें निकलेंगी, तो सबसे पहले देखें 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री, रेंज किसके इक्वल होगी, वी नॉट स्केयर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी, रेंज किसके इक्वल है, वी नॉट स्केयर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जब हम जीरो पुट करेंगे तो ये हमारे पास आर किसके इक्वल आ जाएगा, वी नॉट स्केयर साइन टू इंटू जीरो, साइन जीरो, साइन जीरो जीरो होगा, रेंज की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो यहाँ पे रेंज कितनी है, जीरो, यानी अगर 0 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करें तो जो रेंज है उसकी वैल्यू कितनी आती है, जीरो। नेक्स्ट थीटा 30 डिग्री, 30 डिग्री पे देखें, वी नॉट स्केयर साइन टू थीटा बाय जी, थीटा की जगह हमने क्या पुट किया, 30, 2 into 30 साइन 60, साइन 60 किसके इक्वल आ गया, 0.866, और रेंज की वैल्यू आ गई 0.866 वी नॉट स्केयर बाय जी। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थीटा अगर हम 45 पुट करते हैं, वी नॉट स्केयर बाय जी साइन टू थीटा, थीटा 45, साइन 90, साइन 90 कितना होगा, 1, आर किसके इक्वल आ गया, वी नॉट स्केयर बाय जी, दिस इज मैक्सिमम। अब ये जो आंसर आया है, ये जो रेंज का आंसर है, दिस इज मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम। अब इस बात का क्या मतलब है कि भाई ये मैक्सिमम क्यों है, कि अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे लॉन्च करते हैं तो उसके लिए रेंज की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अभी आप देखेंगे कि भाई ये मैक्सिमम कैसे है, पहले मैं अगले वाले दोनों आपको बता दूं। थीटा 60 पे क्या होगा, 2 थीटा, थीटा को 60 पुट करें, 2 into 60, साइन 120, साइन 120 जो है वो कितना होता है, 0.866, इसका मतलब रेंज की वैल्यू कितनी आ गई, 0.866 वी नॉट स्केयर बाय जी। क्लियर है, थीटा 90 पे क्या होगा, साइन 2 थीटा, थीटा को पुट करेंगे 90, 180, साइन 180 कितना होता है, 0, रेंज की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, अब हमने इस सारे में क्या चीज़ नोट की है ना, इस सारे में हमने ये बात नोट की है कि 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे रेंज की वैल्यू सेम है, 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे रेंज की वैल्यू सेम है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हो सकता है आपने सोचना शुरू कर दिया हो, क्या
कि मैंने जब यहाँ पे 0 डिग्री लिखा, मैंने जब वहाँ पे 90 डिग्री लिखा, तो आप कहेंगे कि प्रोजेक्टाइल में तो कहा गया था एट सर्टेन एंगल 2 डायमेंशनल मोशन, तो 0 और 90 तो जो है वो 2 डायमेंशनल मोशंस नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि क्योंकि हमारे पास रिलेशन आया था, इसमें हमने एंगल पुट करके वैल्यू देखी, बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कौन सी मोशन है 90 वाली, सिर्फ वर्टिकल मोशन है, और ये वाली कौन सी है, सिर्फ हॉरिजेंटल मोशन है। ठीक है ना, ऐसा होता है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ नीचे पड़ी है, ठीक है ना, तो उसको ऐसे आगे रोल कर देते हैं, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। ठीक है, थीटा 0 का मतलब तो यही बना ना एक तरह का, कि आपने क्या करना है, चीज़ को ऐसे ऐसे मूव करा देना है। ठीक है ना, सही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल का मतलब फेंकना होता है, रोड़ना नहीं होता। ठीक है ना, रोल कराना नहीं होता, सही है। तो बहरहाल क्योंकि हमारे पास एक रिलेशन आया है ना, तो उसमें हम कोई भी एंगल पुट करके देख सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। मेन जो अब रिजल्ट आपने देखा कि 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे रेंज की वैल्यू सेम है, ठीक है, और 45 पे रेंज की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। अब इसकी एग्जांपल है एक कि पानी का पाइप होता है, आप लोगों ने देखा होगा जब आपने किसी जगह पानी फेंकना हो, पौधों को पानी लगा रहे हो, तो पाइप को आगे से प्रेस करते हैं और समटाइम्स एक जगह पर उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे आगे पानी चला जाता है। ठीक है, यानी अगर ऐसे पाइप रखा हुआ ना, तो आप एंगल बढ़ाते जाएं, जब आपका एंगल 45 पे होगा ना, तो वहाँ पे रेंज की वैल्यू मैक्सिमम होगी, अगर उससे और एंगल ऊपर करेंगे तो पानी फिर वापस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये मैं अभी आपको दिखा दूँगा। ठीक है जी, सर तस्वीर फेंक के ये देखें, ये असल में पानी कम है, ये इंक्रीज होता क्या, और ये खास एंगल के बाद ये देखें फिर वापस आ गया। सही है, ये देखें यहाँ पे मैक्सिमम रेंज है, सही है, और इससे और एंगल कम करें तो देखें रेंज कम हो गई है, ये बढ़ाया है, रेंज बढ़ती गई, और एक खास एंगल के बाद फिर रेंज जो है वो दोबारा कम होने लगी। ठीक है जी, ये अब आपको बात समझ आ जाएगी। सही, अच्छा, तो हमने क्या देखा, रेंज की वैल्यू मैक्सिमम किस पे है, 45 पे। किन दो एंगल्स पे रेंज की वैल्यू सेम है, 30 और 60। अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 30 और 60 पे रेंज सेम होती है, बेसिक बात कौन सी है, जिन दो एंगल्स का सम 90 होगा, जिन दो एंगल्स का सम 90 होगा, उन पे रेंज की वैल्यू सेम होगी, जैसे 20 70, जैसे 15 75। आपकी बुक में 15 और 75 के लिए एग्जांपल सॉल्व की हुई है, वहाँ पे ये लिखा हुआ है, जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि भाई 30 और 60 पे रेंज है, ये बात याद रखें, नहीं, कोई से दो एंगल्स जिनका सम 90 होगा उस पे रेंज की वैल्यू सेम होगी, ये बेसिक एक बात है। ठीक है जी, तो ये आपने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इसको ऑब्जेक्टिव आता होता है कि रेंज इज सेम फॉर पेयर ऑफ एंगल्स, तो उसमें फिर दो एंगल ऐसे दिए होंगे डिफरेंट, जिनमें जिनका सम 90 होगा उन पे रेंज की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई 30 60 या बुक में जैसे 15 75 सॉल्व किया होगा, नहीं, सम 90 होना चाहिए, एक बात। फिर अब सारा का सारा ऑपरेशन इस 45 का होगा। ठीक है, तो देखें 45 पे रेंज की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। अब जैसे मैंने आपको कहा था ना, बाद में बताऊंगा मैक्सिमम क्यों है, यहाँ पे इसके साथ क्या लगा हुआ है, 1, यहाँ पे देखें क्या चीज़ थी, 0.866, और यहाँ पे क्या है, 1 इज़ ग्रेटर देन 0.866, क्लियर है। इस वजह से क्या होगा, हम क्या कहेंगे कि रेंज की वैल्यू जो है वो 45 पे मैक्सिमम है, क्लियर है। अब देखें,
आर वी आई स्क्वेयर बाय जी साइन टू थीटा, थीटा 45 डिग्री, रेंज वी नॉट स्क्वेयर बाय जी, दिस इज मैक्सिमम। अब इसको हम यूं लिख लेंगे मैक्सिमम, ठीक है जी। आर मैक्सिमम किसके इक्वल हुआ, वी नॉट स्क्वेयर बाय जी। ये अलग से ऑब्जेक्टिव आता होता है, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रेंज इज वी नॉट स्क्वेयर बाय जी। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे देखें आर आर मैक्सिमम साइन टू थीटा, ये इक्वेशन हमने ट्रांसफॉर्म की तो हमारे पास क्या आ गई, आर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम साइन टू थीटा। इसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम साइन टू थीटा। इसके लिखने का एक खास पर्पज़ है, अभी आपको एक ऑब्जेक्टिव कह लें, न्यूमेरिकल कह लें, शॉर्ट क्वेश्चन कह लें, वो सॉल्व कराऊंगा, उसमें फिर इस इक्वेशन का यूज़ होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, रेंज की वैल्यू मैक्सिमम किस पे होती है, 45 पे, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली रेंज बढ़ेगी, लेकिन ये बात किस पे है कि सेम इनिशियल वेलोसिटी पे अगर आप एंगल को चेंज करते हैं तो रेंज जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम के लिए 45। अब आप लोगों ने एक बात नोट की होगी कि जो पुरानी तोपें कभी आपको कहीं पे नज़र आएँ, ठीक है, अभी आजकल ड्रामा आता है, मैंने तो खैर नहीं देखा, अर्तगल जो भी उसको कहते हैं, उसके अंदर शायद तोपें हों तो मुझे उसका आइडिया नहीं है कि, लेकिन पुरानी कहीं पे भी आप देखें तो वो ऐसे ऐसे करके उनकी बैरल बनी होती है, ठीक है ना। अब आप सोचते होंगे भी ऐसे भी तो हो सकती थी, ठीक है ना, तो वो स्पेसिफिकली बनाई इस जगह पे होती है कि क्या उसकी रेंज हमने क्या रखनी होती है, मैक्सिमम। थोड़ी बहुत उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन पोजीशन उसकी वही रखी होती है। तो इसका क्या मतलब होता है कि वो 45 पे एडजस्ट की हुई ताकि रेंज मैक्सिमम हो और शेल जो है वो मैक्सिमम दूर तक जा सके, ठीक हो गया। अच्छा, अब लास्ट बात है वो क्या कि अगर हम फ्रिक्शन को कंसिडर करते हैं, ये छोटा सा एंड पे लिखा हुआ है बुक में भी, तो जो हमने रेंज, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी जिक्र किया था, हम कोई रेंज एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, तो सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी और सर्टेन एंगल पे हम रेंज एक्सपेक्ट करते हैं, कितनी होगी विदाउट फ्रिक्शन, इतनी है, ठीक है, और अगर क्या होगा विद फ्रिक्शन हो तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, माइनर सा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि अगर हमारी जो कैलकुलेशन है रेंज की उसमें थोड़ी सी वेरिएशन आती है, ठीक है, और जहाँ पे किसी जगह पे परफेक्शन बनानी होती है वहाँ पे क्या होता है कि हम उसको फ्रिक्शन को भी इंक्लूड कर लेते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा डिफरेंस आ भी जाए तो कोई नहीं होता। अब बॉम्ब हमने फेंकना है किसी तोप से, ठीक है, तो दुश्मन की अगली उस पे मोर्चे पे नहीं गिरेगा, ठीक है ना, सॉरी पिछले पे नहीं गिरेगा तो अगले पे गिर जाएगा, जाएगा तो दुश्मन तक ही ना, वो इतना कोई इशू नहीं है कि कोई स्पेसिफिकली किसी खास बंदे को तो मारना नहीं होता, ठीक है, तो थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। लेकिन अब इसकी जो लेटेस्ट चीज़ है ना, ये क्योंकि लेक्चर्स के दौरान कुछ बच्चे पूछते रहते हैं, अब बुक में ये मेंशन नहीं किया हुआ, पिछली वाली बुक्स में था, तो वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, वो आपके काम आएगा कि जो लेटेस्ट मिजल्स हैं। एक बच्चे ने सवाल किया था कि भाई ये सारी बात हम पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, 45 एंगल, ये सारी चीज़ें, तो ऐसा है कि जो लेटेस्ट मिजल्स हैं वो लॉन्चिंग पैड पर उनकी ये पोजिशन होती है, उनकी ये वाली होती है। तो अब इस केस में एंगल कहाँ गया, तो लेटेस्ट जो मिसाइल्स हैं उनमें दो टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ करते हैं, एक टर्मिनोलॉजी होती है गाइडेड, ठीक है, गाइडेड मिसाइल होता है, और सेकंड क्या होता है, जैसे अनबिलिस्टिक, अनगाइडेड, ये पुरानी टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती थी और उनमें क्या होता था कि फ्यूल बीच में नहीं होता था, और अभी जो लेटेस्ट हैं उनमें दो चीज़ें हैं, एक वो गाइडेड होती हैं और एक उसमें फ्यूल भी साथ होता है। यानी जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि जब हमने किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर दिया, इट मींस कि उस पे हमारा इन्फ्लुएंस ख़त्म हो गया, ठीक हो गया, अच्छा, और वो फिर ड्यू टू इनर्शिया जाएगा। अब लेटेस्ट वाले जो हैं उसमें इतनी एक्यूरेसी होती है कि आप ये सारे सुनते रहते होंगे जो अमेरिका की सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, दहशतगर्दों पे फायर किया, ड्रोन से फायर किया, ये सारी चीज़ें, तो उसमें इतनी परफेक्शन है कि विद इन सेंटीमीटर जो है वो वहाँ पे फायर कर लेते हैं।
अब उसमें क्या चीज़ होती है, वो सैटेलाइट गाइडेड होते हैं, दो सिस्टम्स होते हैं, एक ये होता है कि उनके अंदर कंप्यूटराइज मेथड से फीड कर दिया जाता है, ठीक है, कि वो जो है वो फ्लां डिस्टेंस तक उन्होंने पहुंचना है, और सेकंड क्या होता है सैटेलाइट गाइडेड हैं जो लेटेस्ट हैं जिनमें वो साथ साथ गाइडलाइन मिल रही होती है, ठीक हो गया ना। तो अब उसमें ये है कि मिसाइल को लॉन्च किया इस तरह स्ट्रेट अप जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे जाएगा, ठीक है ना, और उसके बाद जो है वो फिर वहाँ पे कहीं पे भी जाके जो है वो फायर हो जाता है जहाँ पे मतलब रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन होती है। यानी क्या होगा, पहले इस तरह अप जाएगा, ठीक है, और उसके बाद जो है वो इस तरह से मूव करेगा, ठीक है, और फिर जाके जो है वो वहाँ पे जाके गिर जाता है, ठीक है ना। तो ये कौन सा होगा, गाइडेड। और सैटेलाइट गाइडेड जैसे आपको बता रहा हूँ उसमें क्या होगा, साथ साथ उसको गाइडलाइन मिल रही है और वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ फॉलो करता है। और सेकेंड टर्म कौन सी है, पावर्ड। एक टर्म कौन सी है, गाइडेड, दूसरी टर्म कौन सी है, पावर्ड, यानी उसके साथ फ्यूल भी है। और ये जो आप मिसाइल्स के बारे में सुनते हैं ना, रेंज है जी 500 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर है, तो ये जो रेंजेस होती हैं ना, ये रेंजेस किस बेस पे होती हैं कि उनके अंदर इतना मैक्सिमम फ्यूल मौजूद है। अब अगर किसी मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है, ठीक है, तो हम तो ये समझेंगे भाई वो 500 तक जाएगा, इसका मतलब पहले नहीं जा सकता, तो पहले गिरेगा, ठीक है। मैक्सिमम उसके अंदर फ्यूल कैपेसिटी इतनी होती है कि वो इतने डिस्टेंस तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चंस आ रहे थे कुछ इस के रेलेवेंट, तो वो पावर्ड और गाइडेड होते हैं, ठीक है। फर्दर आपने अगर इस चीज़ को देखना हो तो आप वीडियोस वगैरह सर्च कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बुक में क्योंकि और डिटेल इसकी नहीं थी तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा आपको इसका आइडिया दे दिया, ठीक जी। देखें क्वेश्चन है कि एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल, एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल रेंज इज इक्वल टू हाइट। ये अभी यहाँ पे एक दो चीज़ें सॉल्व करके बताने का मकसद है कि आप थोड़ा रेंज का और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दो तीन। रेंज इज इक्वल टू हाइट, एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल रेंज इज इक्वल टू हाइट। क्या मतलब है इस बात का कि आप देखें अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं तो ऐसे पॉसिबल है इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में देखें तो ये रेंज है और ये हाइट है। इट मीन्स रेंज इज ग्रेटर देन हाइट, रेंज इज ग्रेटर देन हाइट, ठीक है जी। इसके बाद ऐसे इसको लॉन्च कर सकते हैं, इसका क्या मतलब होगा, ये हाइट है और ये क्या चीज़ है, रेंज है, सही है। अब इसमें क्या चीज़ ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है रेंज कम है, ठीक है। ऐसी कंडीशन हो सकती है यूं ऑलमोस्ट ऐसे कि अब यहाँ पे आप देखें तो रेंज और हाइट जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है। वो पुरानी बात कि मैं कंप्यूटर तो नहीं हूँ कि एग्जैक्ट बराबर बना लूँ, भर अंदाज़ा हो रहा है कि देखें रेंज और हाइट ऑलमोस्ट जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है कि प्रोजेक्टाइल को किस एंगल पे लॉन्च करते हैं कि रेंज और हाइट की वैल्यू जो है वो सेम आए, ये क्वेश्चन है। देखें अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, R इज इक्वल टू h, फॉर्मूला लिख दिया, फिर रेंज की वैल्यू क्या होती है, वी आई स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा, हाइट किसके इक्वल है, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, सही हो गया जी। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और g की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब ये आपने फर्क देखना है, यहाँ पे क्या लिखा है साइन 2 थीटा और ये क्या लिखा है साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने आप पिछली दफ़ा भी आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। इट मीन्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है जी। अच्छा अब इसमें ये साइन 2 थीटा अभी लिखा था, फार्मूला दोबारा वापस लिख देंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है और साइन थीटा बाय 2, तो यहाँ से एक साइन थीटा इस एक साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या चीज़ आ गई, 4
कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है जी, और 4 इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, 4 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4, थीटा इज इक्वल टू 76 डिग्री। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को 76 डिग्री पे लॉन्च करते हैं तो रेंज और हाइट की वैल्यू आपस में सेम होगी, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एंगल जो है ये 45 से काफ़ी सारा ज़्यादा है, तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये क्या होगा 76। तो बात आपको समझ आ गई, यानी क्या होगा, रेंज इज इक्वल टू हाइट किसकी इक्वल होगा 76 डिग्री, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और एक और क्वेश्चन है, अच्छा अब इसी में एक और चीज़ देखें, इसी के अंदर मैं इसको चेंज करूँगा, ठीक है, और इसको दोबारा से नहीं लिखूँगा। आप देखें R इज इक्वल टू 4H, ऐसे है R इज इक्वल टू 4H, रेंज इज 4 टाइम्स एज दैट ऑफ हाइट, इसको क्या कहेंगे, रेंज इज 4 टाइम्स एज दैट ऑफ हाइट। ये भी अलग से क्वेश्चन है, एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल रेंज इज 4 टाइम्स एज दैट ऑफ हाइट, यानी रेंज हाइट से 4 टाइम्स ज़्यादा हो, इस बात को ज़हन में रखना है, यानी रेंज बड़ी हो हाइट से। कुछ लोग जब बोला जाता है ना रेंज इज 4 टाइम्स एज दैट ऑफ हाइट, तो उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो ये ठीक नहीं होता, सही है ना, रेंज हाइट से 4 टाइम्स ज़्यादा है, ऐसे ऑलमोस्ट ये चीज़, ठीक है जी, रेंज हाइट से क्या होगी 4 टाइम्स ज़्यादा होगी, क्लियर है। अब इसके लिए क्या कैलकुलेशन होगी, यहाँ पे 4 लगाते जाएं, सारी कैलकुलेशन उसी तरह, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, ठीक है जी, और हमारे पास क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा एंड टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू थीटा, दैट इज 45 डिग्री। थीटा किसके इक्वल होगा 45 डिग्री। तो अब आपने क्या देखा कि अगर 45 डिग्री एंगल हो तो रेंज हाइट से 4 टाइम्स ज़्यादा होगी, अगर एंगल 45 हो तो रेंज हाइट से 4 टाइम ज़्यादा होगी, क्लियर है। क्या चीज़ हुई, यानी 45 का जो एंगल है, 45 का जो एंगल है उस पर दो चीज़ें हैं, एक तो कौन सी है कि रेंज मैक्सिमम है, 45 पे एंगल पे क्या होगा, एक तो रेंज मैक्सिमम है, सेकेंडली क्या चीज़ है, रेंज हाइट से 4 टाइम्स ज़्यादा भी है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल रेंज इज 4 टाइम्स एज दैट ऑफ हाइट, तो आपने इसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्री टेस्ट में भी आता होता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, बुक में ये नहीं है, तो ये मैं ज़रूरी समझता हूँ कराना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल, एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल रेंज इज हाफ एज दैट ऑफ मैक्सिमम रेंज। अब ये हाइट वाली बात नहीं है, क्या होगा, रेंज इज हाफ एज दैट ऑफ मैक्सिमम रेंज, रेंज मैक्सिमम रेंज का हाफ हो जाए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है, अब ये सपोज इसकी ऑप्शंस हैं आपके पास 15 डिग्री, 22.5 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, ये ऑप्शंस हैं। अब आप देखें क्या चीज़ है, मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे होती है, मैं आपसे कहूँ कि मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे होती है, तो आप कहेंगे 45 पे, अभी हमने किया, ठीक है, तो उस बेस पे आप कहेंगे ये तो बड़ा सिंपल सा है, 45 पे मैक्सिमम रेंज होती है तो 22.5 पे हाफ हो जाएगी, बस, सही है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। देखें क्या होगा, इसको अब सॉल्व करते हैं, ठीक है, अभी मैंने जो फार्मूला लिखा था वो इसलिए लिखा था, आर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम साइन 2 थीटा, इस फॉर्म में जो लिखा था,
अब जरा देखिएगा क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है, आर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम बाय टू, आर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम बाय टू, इट मीन्स के जहां पे ये आर है ना उसकी जगह पे हमने क्या पुट करना है, आर मैक्सिमम बाय टू। तो यहां पे लिख दिया आर मैक्सिमम बाय टू इज इक्वल टू आर मैक्सिमम साइन टू थीटा, ठीक है जी, ये कैंसिल हो गया, वन बाय टू इज इक्वल टू साइन टू थीटा, यहां से साइन इनवर्स ऑफ वन बाय टू इज इक्वल टू टू थीटा, साइन इनवर्स ऑफ वन बाय टू कितना होता है 30 डिग्री, टू थीटा 15 डिग्री इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से हमने क्या देखा, थीटा हमारे पास कितना आ गया 15 डिग्री। अब आपके पास ये ऑप्शन बने तो 22.5 नहीं आई, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, रेंज इज हाफ एज दैट ऑफ मैक्सिमम रेंज, यानी हमने 45 पे लॉन्च किया किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो सपोज उसने डिस्टेंस कवर किया 100 मीटर, ठीक है, और वो 50 मीटर किस एंगल पे कवर करेगा सेम इनिशियल वेलोसिटी के साथ, दैट इज 15 डिग्री, ठीक है। तो रेंज हाफ एज दैट ऑफ मैक्सिमम रेंज का ये मतलब है, ठीक है, कि सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी पे उसकी सर्टेन रेंज है, सपोज 100 है, हम ये चाहते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी वही हो और वो 50 मीटर पे जाए, तो इसका मतलब उसकी जो एंगल है वो हम क्या रखेंगे 15 डिग्री। क्लियर होगी बात। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस थे, ये मैंने आपको बता दिए। और एक बात पिछले वाले लेक्चर से थी, एक क्वेश्चन था, तो मैंने बच्चों को कहा था कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वो ऐसे है कि लास्ट लेक्चर में एक बात की थी कि मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी और मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी। तो क्या कहा था कि यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी होगी मैक्सिमम, यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी होगी मैक्सिमम, और यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी होगी मिनिमम, और ये कौन सी थी, ये टोटल वेलोसिटी थी, ठीक है, और ये टोटल वेलोसिटी मिनिमम कहाँ पे, समिट पॉइंट पे, ठीक है। और मिनिमम होने का क्या मतलब था कि सिर्फ और सिर्फ इसमें इस पॉइंट पे कौन सी रह जाती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी क्योंकि यहाँ पे जीरो होती है, ठीक है, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, इस वजह से हम इसको मिनिमम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे मिनिमम नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पे मिनिमम नहीं होगी, मिनिमम यहाँ पे होगी, लेकिन ये नहीं कि ज़ीरो होगी। ये बात बताने का मकसद है, कुछ लोगों के ये जहन में आ जाता है कि मिनिमम का मतलब ज़ीरो है, इसका मतलब वहाँ पे वो फॉल कर जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल क्योंकि नहीं है, इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे कि ये कौन सी होगी, मिनिमम वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल के लेक्चर्स थे, मैंने काफ़ी डिटेल से आपको चीज़ें समझा दी, और अगर आप ये थॉरली लेक्चर सुन लें तो आपको इवन बुक में से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी की सारी बात समझ आ जाएगी, ठीक है जी, ओके, थैंक यू, बाय बाय।